ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे कि बच्चे का सर कैसे मेजर करें। बिकॉज दोस्तों, कई बार पेरेंट्स हमारे क्लिनिक पे आते हैं और हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का सर छोटा तो नहीं है, हमारे बच्चे का सर बड़ा तो नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या पैरामीटर्स होते हैं और इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है। यदि बड़ा है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं, छोटा है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जब बेबी पैदा होता है उसी समय सबसे पहले उसके सर का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप गार स्कोर देखते हैं, उसी तरह बेबी का हेड का सर्कमफेरेंस मेजर करते हैं। उसके बाद एक महीने बाद मेजर करते हैं, और दोस्तों हर महीने मेजर कर सकते हैं। और इसका कुछ स्टैंडर्ड चार्ट्स है जो कि हम लोग वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे चार्ट है। एक चार्ट मैं इसमें भी डिस्प्ले कर रहा हूं, इसको देख के आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपने डॉक्टर से, पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलें या नियर बाय फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें। अब बात आती है दोस्तों कि इसको मेजर कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों कि इसमें जो इंची टेप होती है वो फ्लेक्सिबल इंची टेप होती है, हार्ड वाला नहीं होता, बिकॉज बेबी का सर बहुत ही सॉफ्ट होता है। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जो इंची टेप आप यूज करेंगे वो इलास्टिक नहीं होना चाहिए, वो बढ़े घटे नहीं तो मेजरमेंट सही नहीं आएगा। तो जैसा आप देख रहे हैं इमेज में, इस तरह का नॉर्मल वाला प्लास्टिक का आता है टेप, इससे आप लेंगे और बच्चे का सर मेजर करेंगे। अब बात आती है कि मेजर कहां करना है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई के ऊपर, ओवरऑल यदि मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ा जो सर्कमफेरेंस का एरिया होता है हेड को, उसी को नापते हैं। तो सबसे ज्यादा हेड का सर्कमफेरेंस कहां होता है, हमारे एब्रो के थोड़ा ऊपर इंची टेप लगाते हैं। यदि मैं साइड की बात करूं तो ये ईयर के ऊपर लगाते हैं। और दोस्तों, सर के पीछे की यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीपिटल प्रोटुबरेंस जो होती है ना, जो हमारे सर का पीछे आप जाएंगे और ये जो एरिया उभरा हुआ आपको दिख रहा है इमेज में, इस उभरे हुए एरिया के पास रखेंगे और इसको पूरा मेजर करेंगे। तो ये मेजरमेंट का जो स्पेस है, जो स्पॉट्स है, ये ध्यान रखना जरूरी है, तभी आपका मेजरमेंट सही आएगा। और दोस्तों, ये मेजर करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट करें और चार्ट से मैच करें। तो यदि मैं ओवरऑल बात करूं दोस्तों कि जो मेजरमेंट आता है वो थोड़ा सा फीमेल में मेल के कंपैरेटिवली हेड छोटा होता है। कई बार दोस्तों जेनेटिकली भी देखा जाता है कि कुछ बच्चों में सर बड़ा होता है, तो उसका क्लिनिकल रिलेवेंस आप अपने डॉक्टर से मिलके कर सकते हैं, यदि आपको कुछ डाउट है तो। अनदर वे दोस्तों, अब बात आती है कि हमारा सर बच्चों का होता कितना है। दोस्तों 13.5 से 14 के आसपास इंच में हो सकता है। एक चीज और मैं बताऊं कि इसका जो मेजरमेंट स्केल होता है दोस्तों, वो या तो इंच में होता है या तो सेंटीमीटर में होता है, जो चार्ट में दिया रहता है। तो यदि मैं सेंटीमीटर के हिसाब से कहूं तो 34-35 सेंटीमीटर न्यू बॉर्न बेबी होता है। लेकिन दोस्तों, एक महीने में उसका हेड जो है अप्रोक्सीमेट 38 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो अब बात आती है दोस्तों कि यदि हेड, जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें यदि आपके बच्चे का हेड छोटा है, दैट मींस कि एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि हेड का ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं हुआ है या एज के साथ हेड का ग्रोथ कम हुआ है, तो इसका ये इंटरप्रिटेशन है। इसमें कई सारी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से होती है, इसको हम लोग माइक्रोसिफेली बोलते हैं और ये हेड छोटा होने की वजह से इस प्रॉब्लम को बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों, यदि बच्चे का सर आपके जो एवरेज पैरामीटर है उससे ज़्यादा है, तो हो सकता है कि बच्चे का सर का डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, उसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो सकता है, उसके अंदर ब्लीडिंग्स हो सकती है और डेवलपमेंटल भी कई सारे चेंजेस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो ज़्यादातर कॉमन देखने को मिलता है वो हाइड्रोसिफाइलस होता है, जिसमें सीएसए फ्लूइड ज़्यादा होता है। फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से हेड का पैरामीटर बड़ा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको जरूर पीडियाट्रिशियन से मिलना है या नियर बाई फिजियोथेरेपिस्ट जो पेडियाट्रिक देखते हैं उनसे मिलना है, उनसे पूछना है और बात करके फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।